मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे अपनी कम्यूनिटी की गल वास्ते क्योंकि देश के अंदर 70 साल तो जोड़े मुद्दे अज भी खड़े ने भावें डोंगमार गुरद्वारा सिक्के मंदिर होवें शिलोंग के सिखा का मसला हो या श्रीनगर के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिखा का मसला हो जिथे उन्होंने अज तक नौकरियां रिजर्वेशन नहीं मिले उन्होंने हक नहीं मिले या मध्य प्रदेश के अंदर सिकली कर सिखा का मसला हो आसाम के आसामी सिखा का मसला हो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु नानक देव पातशाह जी के वड्डे समागम करके देश और दुनिया में उन्होंने सोच और उन्होंने मानवता के प्रति सेवावान की जानकारी देनी हो मैं सारिया गल् और मैं खास तौर पर अच्छी गल जरूर होर याद करा चाहता जो तो मैं इन सारिया गलों के नाल नाल साड़ी कौम के वास्ते अगे वधन वास्ते शिक्षा बहुत जरूरी आ जो मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने एक गल कही 70 साल हो गए देश के अंदर देश की आज़ादी तो लैके हुण तक जिन्ना वड्डा सिखां दा योगदान आ मैं सारिया का पर मैं जरूर कह सकता क्योंकि मैं उस कम्यूनिटी में बिलोंग करता मैं फख्र है इस गल का पर अज तक भी उन्होंने वास्ते दिल्ली की देश की राजधानी है इस राजधानी से बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शहादत हुई जिस राजधानी जिस राजधानी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हुई और उस ही राजधानी के उत्ते किसी वेले बाबा बघेल सिंह जी ने बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी ने अपना परचम लहराया सी उस राजधानी के अंदर अज तक भी दिल्ली के लोगों सिखा के वास्ते एक यूनिवर्सिटी असं 70 साल नहीं बना सके मैं लगता कि साड़ी अपनी लीडरशिप की कमी आ साड़ी कमजोरी आ क्या मसले हुण देश के सरहदा ते लड़न वाले असी लोग होई और मसले साडे तों हल ना होण मैं जिस वचनबद्धता दे नाल देश दे गृहमंत्री जी नाल गल करके और प्रधानमंत्री जी नाल मैं पार्टी ज्वाइन किया उहदा एक मकसद आ 70 सालों तो होए वो मसले जिहड़े अज तक खड़े सी वो बहुत जल्दी हल हुंदे दिखणगे तुहानूं भावें वह डांगमार गुरद्वारा साहब का होवे या सिक्किम के सिखां का होवे या ज्ञान गोदड़ी के गुरु घर का मसला होवे ये जिन्ने भी मसले ने कुछ आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तुहानूं ये सारे मसले हल हुंदे दिखणगे मैं फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा अपने सारे ही साथियों का जिन्होंने हर मौके पर मेरा साथ दिता है और इस लड़ाई नूं हमेशा जितण वास्ते और लड़ाई दे हमेशा फतेह वास्ते मैं अपने मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धनवाद करना गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर तो सानूं बहुत कुछ मिलिया है उस मालिक के दर का धनवाद करना एक वचनबद्धता करदा है कि जिनी शिद्दत दे नाल असीं दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च रह के अपनी कौम की गल की अज इस वड्डी देश की सरकार के माध्यम तो खास तौर पर जदों देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी और देश के वड्डे वजीर तुहाडी उन्हां जो तुहाडे सोच होवे जो तुहाडे मंग होवे जो तुहाडे कौम के मसले हो उन्हों हल करन बैठे होण तो मैं जरूर कह सकदा हां जिन्नी कि अगे शिद्दत नाल लड़ रहे सी जिन्नी कि शिद्दत नाल मसलियां लई खड़े हुंदे सी उस तों 10 गुणा ताकत दे नाल अपनी कौम के मसले हल करन वास्ते असीं खड़े होवांगे मैं फिर तो सब का धन्यवाद करदा हां।